मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोलो भाई, मुस्तफा का दामन। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, मुस्तफा का दामन, मुज्तबा का दामन, अरे बोलो ना मुर्तजा का दामन, मोहम्मद का दामन। क्यों? इसलिए कि इनके दामन से बढ़ के कोई दामन ही नहीं है। ये मेराज का वाकया बहुत लंबा है, सुनाऊं? कैसे सुनाऊं? चार साढ़े चार घंटे जाते हैं, बहुत लंबा वाकया है। मैं इसी दो तीन, क्योंकि मेरे को कल रात को मोटा वराछा जो है ना, यहाँ पे मोटा वराछा नाम सुना हुआ, तो मैंने ये सोचा कि आप लोग आ जाएंगे, मोटा वराछा आओगे इंशाल्लाह। आज जमीन का सफर, कल आसमान का सफर इंशाल्लाह। नहीं आने वाले हो तो यहीं पे सुना दो, यहीं सुना दो। कितने नफट है आप लोग, इतना बहुत थोड़ी खाया मैंने, दो दिन का खाया। चलो मैं सुना रहा हूं, लेकिन एक एक पॉइंट को नोट करोगे इंशाल्लाह, नतीजे पे आओगे इंशाल्लाह। पूरा मजमा देखो, मैं पॉइंट से पॉइंट, हमारे नबी ने मेराज का सफर कैसे शुरू किया, और इंशाल्लाह हम शॉर्ट करके बताएंगे कैसे खत्म हुआ। सब सुनेंगे इंशाल्लाह, हमारे नबी को मेराज बोलो मिली ना। जल्दी जल्दी सुनना, हमारे नबी मक्का में थे, बोलो मेराज की रात में पूरा मजमा बोले हमारे नबी कहां थे, आवाज नहीं आ रही, कहां थे? हमारे नबी आराम फरमा रहे थे भाई, रात का वक्त था, रात में हम लोग भी क्या करते, सो जाते आंखें बंद, तो हमारे नबी भी आराम फरमा रहे, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी की भी आंखें मुबारक बंद, आसमान पर धूम मची है, आसमान पर धूम मची। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को बुलाया, जिब्राइल आओ आओ, जिब्राइल आओ, जल्दी से मक्का जाओ, जाओ मक्का जाओ। अल्लाह ने कहा आज ही रात मक्का जाओ और रातों रात मेरे मुस्तफा को मेरे पास लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, आपको मालूम है हजरत जिब्राइल को जब ऑर्डर मिला ना तो दौड़े, अरे बोलो दौड़े, बल्कि हजरत जिब्राइल को तो अल्लाह ने पर भी दिए थे, मैं तो कभी कहता हूँ दौड़े भी होंगे उड़े भी होंगे, लेकिन अल्लाह ने वापस बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह वापस बुला लिया, मैं तो मक्का भी नहीं पहुंचा, मैं तो मुस्तफा के पास पहुंचा भी नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया भाई, सब साथ में सुना, अल्लाह ने क्या फरमाया, तज़हबु वहीदा, अरबी जुबान, तज़हबु वहीदा, ए जिब्राइल अकेले जा रहे हो, अकेले जा रहे हो? अदा जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह तूने मुझे कहा मैं अकेला जा रहा, अल्लाह ने कहा नहीं अकेले नहीं जाना, तुम मक्के जा रहे हो, मेरे मुस्तफा के पास जा रहे हो, अकेले मत जाना, वो मेरे मुस्तफा है, बोलो सुभान अल्लाह, वो मेरे मुज्तबा है, बोलो सुभान अल्लाह, वो मेरे मुर्तजा है, बोलो सुभान अल्लाह, वो हबीबुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह, वो कलीमुल्लाह है। अल्लाह ने कहा अकेले नहीं जाना, अकेले जाओगे तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी, 70,000 फरिश्तों को साथ में लेकर जाना। कितने फरिश्तों को लेकर चले हजरत जिब्राइल? अच्छा अल्लाह ने कह दिया 70,000 तो जमा किए होंगे ना, कि हमारी तरह डंडी मारे होंगे। एक बात याद रखो, हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, बुलंद आवाज से बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। 28वें पारे में अल्लाह ने फरमाया लाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह जो कहता वो करने को तैयार हो जाते। ए सारे मस्जिद हुसैनिया वालों एक साथ में बोलो, हजरत जिब्राइल अकेले नहीं आए, कितने फरिश्तों को लेकर आए, इंसान की शक्ल में आए, बोलो सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्तों को लेकर मक्का आ गए, अरे बोलो मक्का। फिर बराबर पॉइंट पे तवज्जो देना, जिब्राइल आ गए इंसान की शक्ल में आए, कितने फरिश्तों को लेकर आए। हमारे नबी क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आंखें मुबारक। अच्छा एक मसला बताऊं, शायद आपको ये मसला नहीं मालूम होगा, हम लोग सोवे ना तो हमारा वजू टूट जाता है, बोलो बोलो साथ में बोलो, हम लोग सो जावे तो, अभी बयान में कोई सो गया, अभी घर में जाके बोला चलो मैं नमाज पढ़ो, ना ना ना, मस्जिद में सो गया था ना वजू, अरे बोलो ना मसला है, सो जाओ तो वजू। लेकिन हमारे नबी कितना भी सोए हमारे नबी का वजू नहीं टूटता, क्यों? हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारी आंखें बंद होती है मेरी आंखें बंद होती है, तुम्हारा दिल भी बंद होता है लेकिन मेरा दिल तो अल्लाह ही अल्लाह करता रहता है। हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनामु आइनाया वला यलामु कल्बी। हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती तू सोएगा तेरा वजू टूट जाएगा, हमारे नबी फरमाते मैं सोऊंगा मेरा वजू नहीं टूटेगा, इसलिए कि मेरी आंखें बंद होती है लेकिन मेरा दिल तो अल्लाह 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 ही करता रहता है, बोलो सुभान। तो हमारे सोने में और नबी के सोने में बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग तो घोड़े बेच के सोते हैं,
मैं तो अभी किसी के पास सोने को ही तैयार नहीं होता। मालूम है बयान के लिए जाता हूँ, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी यूपी, कभी लखनऊ। मालूम नहीं दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ले गया। और ये मेरे चेहरे और मेरा कमाल नहीं है, सीने में जो कुरान है उसका कमाल है। बहुत जगहों पे बयान के लिए जाता तो बहुत सारे बेचारे बोलते हैं, मौलाना हम आपके साथ सोए, आपकी खिदमत करें। मैं क्योंकि मैंने एक मरतबा करा दिया ऐसी गलती, साउथ अफ्रीका गया। कारी अकील कहा, तू भी तो ऐसा ही करता है। मैं साउथ अफ्रीका गया, मेरी उम्र 25 साल, बिल्कुल जवान। साउथ अफ्रीका गया, वहां बयान किया। बयान करने के बाद मेरे को बंगले में ले गए, कहा मौलाना यहाँ खाना वाना, चलो सबके साथ खाना वाना खाए। फिर जब आराम करने का वक्त आया, मेरे को कमरा बताया, तो एक जवान मेरे पास आया, मौलाना आई कैन कम विथ यू, आई विल डू योर खिदमत। इंग्लिश समझते हो? मैंने मौलाना मैं आऊं आपके साथ, मैं खिदमत करूंगा। मैंने कहा भाई मैं जवान, तू जवान, क्या खिदमत की जरूरत है। लेकिन वो जिद करने लगा, तो मैंने कहा चल आजा। आके मेरे से पहले वो सो गया, और सो गया तो कोई बात नहीं, क्या खर्राटे मारे हम लोग भी, क्या खर्राटे मारे। और इंडिया के खर्राटे और अफ्रीका के खर्राटे में फर्क है भाई। इंडिया में खर्राटा मारेगा ना सोएगा जैसा हमारा कार्यकिन करता है। नहीं चलो बहुत अच्छा, नहीं तो बीवी रखे भी नहीं तेरे को। फिर मैंने इंडिया का खर्राटा, मैंने वो अफ्रीका वाले का खर्राटा देखा, वो फॉरवर्ड भी जाता है रिवर्स भी आता है। क्या सही बताता हूं, मैं 40 मिनट तक ऐसा सोया रहा, कभी इधर करवट लू, कभी उधर करवट लू, लेकिन वो तो खर्राटे मारना बंद ही नहीं करे। आखिर में 40 मिनट के बाद मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई भाई, तो उठ के मेरे को कहता है मौलाना कोई खिदमत है? मैंने कहा एक ही है, तू बाहर में अंदर। हमारा तो सोना ऐसा होता भाई। अच्छा एक बात आपको बताऊं, हमारे नबी सोते थे ना, हमारे नबी भी खर्राटे लेते थे, लेकिन इतने आहिस्ता लेते थे कि हमारी माँ आयशा फरमाती है, काना इज़ा नामा नफ़खा। हमारे नबी जब रात को सोते थे, हमारी माँ आयशा फरमाती है, इतने हल्के खर्राटे लेते, और माँ आयशा कहती अल्लाह की कसम हर खर्राटे में मुश्क की खुशबू आया करती थी। चलो बोलो कौन आ गए जमीन पर? हजरते कितने फरिश्तों को लेकर आए? साथ में बोलो कितने? और हमारे नबी क्या कर रहे? देखो देखो देखो, हमारे नबी आराम कर रहे। हजरत जिब्राइल आए, इंसान की शक्ल में आए, और कितने फरिश्तों को लेकर आए? हजरत जिब्राइल को तो ऑर्डर था अभी लेकर आओ, तो हजरत जिब्राइल करीब आए। देखो करीब आए, हमारे नबी के बिल्कुल करीब आए, अपना हाथ आगे बढ़ाया, इंसान की शक्ल में आए थे, अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर हाथ रोक दिया। कहा नहीं, अगर मैं नबी को जगाऊंगा इनकी नींद खराब हो जाएगी, और ये नाराज होंगे तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। खेरे बोलो ना, ये नाराज हो जाएंगे तो हजरत इब्राहिम ने 70,000 फरिश्तों को कहा नहीं, अभी जगाने का नहीं, ये मुस्तफा नाराज होंगे तो अल्लाह भी नाराज होगा। तो 70,000 फरिश्तों ने कहा करेंगे क्या? कहा पीछे चलो। सबको लेकर हजरत इब्राहिम कहां चले गए? पीछे। कहा नहीं, जब उठेंगे तब ले जाएंगे, अभी जगाएंगे। लेकिन जब पीछे गए तो हजरत इब्राहिम को ख्याल आया, मेरे अल्लाह ने कहा था अभी जाओ, अभी जाओ, ये तो ले जाने में देर हो रही है। अरे बोलो ले जाने में। तो हजरत जिब्राइल ने 70,000 फरिश्तों को कहा नहीं नहीं, ले जाने में देर हो रही है, चलो आगे चलो। अब 70,000 फरिश्तों को लेकर आगे आए, हमारे नबी तो आराम कर रहे, आंखें मुबारक बंदे। हजरत जिब्राइल देखो यूं आए यूं आए यूं आए, लेकिन हमारे नबी के बदन मुबारक पे हाथ नहीं रखा। कहा नहीं, ये उठ जाएंगे, ये डिस्टर्ब होंगे, ये नाराज होंगे तो ऑटोमेटिक अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। इसे कहां चलो? पीछे। सबको लेकर पीछे गए, पीछे गए तो फिर ख्याल आया, मेरे अल्लाह ने कहा था अभी जाओ। बताओ हजरत जिब्राइल परेशान हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ बोलो ना, हुए कि नहीं हुए? कभी आगे 70,000 को लेके कभी कभी? हदीस पाक में लिखा, पता है यार जिब्राइल फअक्बल थुम्मा अदबर। साथ में बोलो ना, हजरत जिब्राइल हैरान और परेशान हो गए, कभी 70,000 फरिश्तों को लेकर आगे आगे, कभी 70,000 को लेकर पीछे पीछे, कभी आगे आगे कभी। समझ में आ गया ना? आगे पीछे समझ गए ना? अब हजरत जिब्राइल करे तो क्या करे, इसलिए कि जगाने की हिम्मत और देर होती वो भी हिम्मत। तो हजरत जिब्राइल ने अल्लाह को ये पूछा, अल्लाह क्या करूं, अल्लाह क्या करूं? तूने कहा अभी लेकर आओ, ये तो आराम फरमा रहे, इनकी नींद खराब होगी, अल्लाह तू नाराज हो जाएगा, अल्लाह क्या करो? पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो, अल्लाह जवाब दे रहा। अल्लाह ने क्या फरमाया? ला ततहय्यर या जिब्राइल अक़बिल। बोलो साथ में बोलो अक़बिल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ए जिब्राइल आगे बढ़ो और 70,000 फरिश्तों को लेकर आगे जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा आगे तो जाऊंगा, लेकिन मेरे नबी क्या कर रहे, इनको जगाऊंगा कैसे?
अल्लाह ने फरमाया जगाने का भी तरीका होता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तताहयर या जिब्राइल अकबिल वकब्बिल कदमई। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, 70,000 को लेकर आगे बढ़ो। और जगाओगे तो कैसे जगाओगे, हाथ लगा के नहीं जगाओगे, अरे हाथ उठा के नहीं जगाओगे। अल्लाह ने कहा जिब्राइल आगे चले जाओ और मेरे नबी के तलवे को चूम लो। ये तलवा, इसको तलवा बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं, तलवा ही बोलते हैं ना, इसको क्या करो। जिब्रील गए हमारे नबी के तलवे के पास, गए इंसान की शक्ल में थे, यूं हमारे नबी के तलवे को यूं क्या किया, जोर से बोलो नहीं, यूं तलवा, हमारे नबी का तलवा मुबारक, हजरत जिब्राइल के होठ मुबारक, नबी का तलवा मुबारक, हजरत जिब्राइल ने अपने होठ लगाए, यूं चूमा। जैसे चूमा तो हमारे नबी की आंखें मुबारक खुली, हमारे नबी के चेहरे का रंग बदला, फरमाया मां बालू का या जिब्राइल तो कबीलू कदम भैया, जिब्राइल क्या हो गया मेरे तलवे को चूम रहे हो, जिब्राइल क्या हो गया मेरे तलवे को चूम रहे हो। हजरत जिब्राइल ने घबरा कर कहा ना ना मैं नहीं चूमता, अल्लाह का हुक्म था इसलिए मैंने चूम लिया। हुक्म किसका था, तो हमारे नबी ने पूछा अल्लाह का हुक्म था ठीक है मेरे तलवे को चुमा, लेकिन ये तो बताओ कि क्या करना क्या है। हज़रत जिब्राइल ने कहा आज की रात तो बहुत प्यारी रात है, ये मेरे नबी बहुत प्यारी रात है, आज अल्लाह के हुक्म से आपको जमीन का सफर करना है, बोलो सुभान अल्लाह, आसमान का सफर करना है, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नतों का सफर करना है, बोलो सुभान अल्लाह, सिदरतुल मुंतहा का सफर करना है, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नतुल मावा का सफर करना है, बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रत जिब्राइल ने कहा आज की रात तो वो प्यारी रात है, इतना ऊपर हम जाएंगे अल्लाह के अर्श तक मेरे नबी आप जाएंगे, ऐसा जाएंगे एक तरफ अल्लाह होगा एक तरफ मोहम्मद होगा, बोलो ना सल्लल्लाहु। भाई सच बताओ हमारे नबी ने जब ये सुना होगा तो तैयार हो गए कि नहीं हो गए, हमारे नबी तैयार हो गए, चलो अभी चले अल्लाह से मिलना है, चलो चलो। हज़रत जिब्राइल ने कहा इतना जल्दी मत करो, क्यों, कहा मैंने आपके तलवे को चूमा ना। हमारे नबी ने कहा अल्लाह का हुक्म है सफर शुरू नहीं होगा जब तक 70,000 फरिश्ते आपके तलवे को न चूम ले। 70,000 फरिश्ते आपके तलवे को चूमेंगे मेरे दोस्तों, वो 70,000 फरिश्ते आए नबी के तलवे को चूमा, बोलो आए नबी के तलवे को चूमा, आए नबी के तलवे को चूमा। अल्लाह ने जमाने को भी रोक दिया, अल्लाह ने मकान को भी रोक दिया, अल्लाह ने टाइम को भी रोक दिया, अल्लाह ने कहा आते जाओ फरिश्ते नबी के तलवे को चूमते जाओ। 70,000 फरिश्तों ने नबी के तलवे को चूमा, जब चूम के चले गए तो हजरत जिब्राइल ने कहा चले सफर, बोलो बोलो सफर। हमारे नबी ने हजरत जिब्राइल को देखा, कहा नहीं, कहा क्यों नहीं, कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। हजरत जिब्राइल ने कहा आपके सवाल का जवाब। हमारे नबी ने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग भी हाँ बोलना। हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल मेरे तलवे को चूमा कि नहीं चूमा, आवाज नहीं आ रही, मेरे तलवे को चूमा कि नहीं चूमा। हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा कि नहीं चूमा, हजरत जिब्राइल ने कहा हाँ चूमा। तो हमारे नबी ने पूछा जब चूमा तो कैसा लगा, भाई जब चूमा तो कैसा लगा। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे इंशाल्लाह। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए जिब्राइल आपने मेरे तलवे को चूमा, बोलो आपने मेरे तलवे को चूमा, ए जिब्राइल तुम्हें कैसा लगा। हजरत जिब्राइल अलैहि सलातु वसलाम ने जवाब दे दिया हाँ हाँ मेरे प्यारे नबी मैंने आपके तलवे मुबारक को चूमा, आप मुझे पूछते हो कि मुझे कैसा लगा। हजरत जिब्राइल कहते मेरे अल्लाह की कसम मैंने जन्नत को देखा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के बाहरों को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। कहते मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के गुलशनों को देखा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की नहरों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फलों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फूलों को देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के बालाखानों को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। जिब्राइल कहते मेरे अल्लाह की कसम मेरे नबी मैंने जन्नत को हर तरफ से देखा, लेकिन अल्लाह की कसम जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली आपके तलवे में नसीब हो गई। बोलो ना नारे तकबीर मुस्तफा का दामन। जो खुशबू मुझे जन्नत में न मिली, जिब्राइल आमीन बोले, जो खुशबू मुझे सारी जन्नत में न मिली अल्लाह की कसम मेरे प्यारे हबीब आपके तलवे में नसीब हो गई। ये तलवा तलवा, बोलो ये क्या है, इसमें जब खुशबू जन्नत से, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना इसमें खुशबू जन्नत से, अरे जिस नबी के तलवे में खुशबू जन्नत से ज्यादा होगी वो नबी के हाथ में कितनी खुशबू होगी,
आवाज नहीं आ रही है? और जिस नबी के हाथ में खुशबू होगी वो नबी के चेहरे में कितनी खुशबू होगी। मेरे दोस्तों साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर। सुभान अल्लाह, बोलते जाओगे ना हमें सफर शुरू करना है। अभी हजरत जिब्राइल के साथ कौन सा सफर पहले करेंगे? जमीन का। फिर कौन सा सफर करेंगे? आप लोग सब तैयार हो ना? इंशाल्लाह, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जल्दी जल्दी हम चलेंगे, चलेंगे ना इंशाल्लाह। लेकिन साथ में पहले एक मरतबा जम के कह दो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारा नबी वो नबी। सुभान अल्लाह, आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है, बुलंद आवाज से, हमारा नबी वो नबी। जो मैं बोलूँ वो बोलो, चलो जो मैं बोलता हूँ बोलो, हमारा नबी वो नबी, 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 अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर इशारा करे, फिर इशारा करे, 1400 सहाबा बोले हमने आंखों से देखा मेरे नबी, इशारा करते गए, करते गए, करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारा नबी मक्का के बयाबान में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे आका से बढ़कर। साथ में बोले ना कमाले मोहम्मद जमाले मोहम्मद, बोलो कमाले मोहम्मद जमाले मोहम्मद, हे ज़मीन आसमां सब फिदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बोले कमाले मोहम्मद जमाले मोहम्मद, हे ज़मीन आसमां सब फिदाए मोहम्मद, वो नूरे हुदा वो नूरे मुजस्सम, वो नूरे हुदा वो नूरे मुजस्सम, नहीं है कोई अफजल सिवाए मोहम्मद, नहीं है कोई अफजल सिवाए मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद साथ में, मोहम्मद 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 मोहम्मद, कयामत के मैदान में होगी दुआए मोहम्मद, मुसफा वो मुसफा वो मुजल्ला वो मुतागर वो, मुसफा वो मुसफा वो मुजल्ला वो मुअत्तर वो, मुअत्तर हवा, बोलो ना हवाए मुअत्तर हवाए मोहम्मद सल्लल्लाहु, हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी। चलो सफर शुरू करें, शुरू करें। नसीहत पे आओगे ना इंशाल्लाह? एक नसीहत तो हो गई अल्लाह के सामने होशियारी, जो अल्लाह बोले वो करने का, करोगे ना इंशाल्लाह? अब दूसरी बात पर आ जाओ, अभी सफर शुरू हो रहा है। बोलो जिब्राइल और हमारे नबी, साथ में बोलो ना सल्लल्लाहु, जिब्राइल और हमारे नबी, सफर शुरू हो रहा, सफर शुरू हो रहा। आपको मालूम होगा एक जानवर आया सवारी के लिए, क्या नाम है वो जानवर का? बुराक। बोलो साथ में बोलो ना, क्या नाम है? बुराक। हाँ, वो कैसा प्यारा जानवर होगा जिसका नाम बुराक है। हमारे नबी भी बैठे, जिब्राइल भी बैठे, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम इतना तेज दौड़ता था, जहां नजर पहुंचती थी वहां इसका पहला कदम पहुंचता था। बस वो हमारे नबी और हजरत जिब्राइल वो जानवर बुराक सवारी पर बैठ गए और चले। अब सुनते जाना, सुनते जाना। पहला स्टॉप हजरत जिब्राइल ने फरमाया यहां रुक जाओ, हमारे नबी वहां रुक गए। हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे नबी सवारी पे से उतरे, दो रकात पड़े, कितनी रकात? नहीं, ये कौन सा स्टॉप है? बोलो ना कौन सा स्टॉप है? पहला। हमारे नबी को हजरत जिब्राइल ने कहा उतरे, दो हमारे नबी ने दो रकात नमाज पढ़ी। दो रकात नमाज पढ़ने के बाद हमारे नबी ने कहा ये कौन सी जगह? यहाँ तो बागात बागात है, खजूर के बागात है, पहाड़ है, दरख्त है, ये कौन सी जगह है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया ये हमारा पहला स्टॉप है। हमारे नबी ने कहा लेकिन ये कौन सी जगह है? हजरत जिब्राइल ने कहा ये वो जगह है, एक जमाने में आप यहां आओगे, इसका नाम है मदीना मुनव्वरा। बोलो सुभान अल्लाह। तो पहला स्टॉप हमारे नबी ने कहां पर किया? आवाज नहीं आ रही है, बोलो ना कहां पर किया? जाना ना सबको मदीना, जाना कि नहीं जाना?
किस किस को जाना, हाथ ऊपर करे भाई, मदीना जाना। हमारे नबी का पहला स्टॉप बोलो कहां पर है, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो बोलो सब बोलो, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। हमारे नबी का पहला स्टॉप बोलो कहां पर, चलो फिर हजरत जिब्रील के सब बैठ गए, हमारे नबी चले सवारी पर चले। हमारे नबी फरमाते दूसरी जगह पे हम रुके, वहां भी जिब्रील ने कहा मेरे नबी ये दूसरा स्टॉप है, दो रकात नमाज पढ़े। हमारे नबी ने दो रकात नमाज पढ़ी। दो रकात नमाज पढ़ने के बाद हमारे नबी ने कहा जिब्रील ये कहां पर आ गए, जिब्रील ने कहा ये जगह का नाम मदयन, ये जगह का नाम मदयन, यहां हजरत शोएब को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा था। बोलो सुभान अल्लाह, यहां हजरत शोएब को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा था, उस जगह पर तुम आ गए हो। कितने स्टॉप हो गए, पहला मदीना, नंबर दो फिर हजरत जिब्राइल जो लेकर चले 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 चले, तो वो सवारी को लेकर चले पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर जाके सवारी रुकी। हजरत जिब्राइल ने कहा यहां भी दो रकात नमाज पढ़ो, हमारे नबी ये कौन सा स्टॉप है। हमारे नबी ने यहां भी दो रकात नमाज पढ़ी। फिर हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल ये क्या है, हजरत जिब्राइल ने कहा ये कोहे तूर है, जहां हजरत मूसा आते थे अल्लाह से बात करते थे। बोलो बोलो, जहां हजरत मूसा आते थे खल्ला। तो हमारे नबी को कहा चलो, हमारे नबी ने कहा नहीं मुझे नहीं आना अब आगे नहीं आना। तो हजरत जिब्राइल ने कहा क्यों नहीं आना, कहा हजरत मूसा अल्लाह से बात करते थे, मैं भी अल्लाह से बात करूंगा। हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी मूसा अल्लाह से बात करते थे कभी देखा नहीं, हजरत मूसा अल्लाह से बात करते थे मगर कभी अल्लाह को देखा। मेरे नबी हमको यहां नहीं ठहरना, हमको तो आर्श में जाना है और आमने सामने अल्लाह को देखना है। बोलो सुभान। कितने स्टॉप हो गए, नंबर एक मदीना, नंबर दो मदीन, नंबर तीन कोहे। अब हजरत जिब्राइल फिर लेकर चले 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 चले, एक बड़ा मैदान था, वहां जाके रुके। कहा मेरे नबी दो रकात नमाज पढ़े, ये कौन सा स्टॉप, दो रकात। हमारे नबी ने दो रकात नमाज पढ़ी। फिर जिब्राइल को पूछा ये कौन सी जगह, हजरत जिब्राइल ने कहा ये जगह का नाम है बैतुल लहम, ये जगह का नाम है बैतुल लहम, ये वो जगह है जहां हजरत मरियम के मुबारक पेट से हजरत ईसा पैदा हुए थे, हजरत मरियम के मुबारक पेट से हजरत ईसा पैदा हुए। कितने स्टॉप हो गए, अब सुनना। फिर हजरत जिब्राइल चले 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 चले, अरे मेरे प्यारे दोस्तों पहुंच गए बैतुल मुकद्दस। बोलो कहां पहुंच गए, बैतुल, ये जमीन का आखिरी स्टॉप बैतुल, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद अक्सा। बोलो मस्जिद, तो पहला स्टॉप, दूसरा मदियन, तीसरा ओहेतूर, चौथा बैतुल लहम, पांचवा बैतुल। अच्छा यहां तो हजरत जिब्राइल भी उतर गए। तो हमारे नबी ने कहा दो रकात पढ़ू, इसलिए पहली जगह दो रकात पढ़ी, दूसरी जगह पढ़ी, तीसरी जगह पढ़ी, चौथी जगह पढ़ी, ये पांचवी जगह में दो रकात पढ़ू। जिब्राइल ने कहा नहीं यहां पढ़ना नहीं है, ये मस्जिद में जाना है, ये मस्जिद में। तो हमारे नबी मस्जिद के पास आए, कौन सी मस्जिद, मस्जिद है अक्सा आए। तो मस्जिद पूरी भरी हुई, जैसा अभी देखो मस्जिद भरी हुई है, कोई आएगा तो कहां बैठेगा, अरे बोलो ना जोर से बोलो ना। अब हमारे नबी आए तो पूरी मस्जिद भरी हुई, और हमारे नबी ने देखा सब सफेद कपड़े में, जितने मस्जिद में बैठे आधी रात को सब सफेद कपड़े में, और सबके सर पे काला इमामा, भाई जैसे ये इमामा है ना, काला इमामा, काली पगड़ी, और सबके सफेद कपड़े, और सबके बालों से पानी के कतरे निकलते जैसे अभी नहा नहा के सब आए हुए हो, और सब खूबसूरत में खूबसूरत। तो हमारे नबी ने देखा कि पूरी मस्जिद पैक है, सब सफेद कपड़े में खूबसूरत है, और सबके सर से क्या हो रहे, पानी के कतरे। तो हमारे नबी पीछे बैठ गए, भाई दिखती बात है देर में आएगा तो कहां बैठते। तो हमारे नबी पीछे बैठे, तो हजरत जिब्राइल ने कहा नहीं यहां नहीं बैठना, आगे चलो मस्जिद में आगे चलो। तो हमारे नबी ने कहा कैसे चलूं, मस्जिद तो पूरी पैक है, सारे लोग बैठे। हजरत जिब्राइल ने कहा मेरे मुस्तफा कदम बढ़ाते जाओगे अल्लाह जगह बनाता चला जाएगा, कदम बढ़ाते जाओगे अल्लाह जगह बनाता चला जाएगा। बस हमारे नबी ने जैसे कदम रखा, पूरी मस्जिद में जो आधी रात को मजमा बैठा था, आधा मजमा इधर आधा मजमा इधर, और दरमियान में रास्ता बना, और वो रास्ता था तो मुस्तफा का रास्ता था। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा हमारे नबी जब अंदर आए ना, कौन सी मस्जिद में, तो हमारे नबी को कान में आवाज आई, क्या आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसीलिए हमारे नबी कहते जब मदीने में अजान का हुक्म आया तो हमारे नबी ने कहा हाँ हाँ मेराज में गया था तो मैंने यही आवाज को सुना था। हमारे नबी आए, अजान हो रही है, हमारे नबी आए, अरे कितने लोग बैठे थे,
एक लाख या दो लाख लोग जमा थे, हमारे नबी आते गए, जो मुसल्ला होता ना इमाम का मुसल्ला, हजरत जिब्रील ने वहीं पे कहा दो रकात पढ़ाओ, अब तक पढ़ी थी, अब पढ़ाने का वक्त आ गया। चार मर्तबा तुमने पढ़ी, पांचवी मर्तबा पढ़ाने का वक्त आ गया, पढ़ाओ। हमारे नबी की आंखों में आंसू ने, जिब्रील ये कौन है, कहा पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ। हमारे नबी ने बोलो अल्लाहु अकबर, जितना मजमा तो सब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर। हमारे नबी ने दो रकात नमाज पढ़ाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सबने सलाम फेरा। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्रील कौन सी जगह है, ये कौन लोग पीछे बैठे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत नहा धो के आए हैं, ये कौन लोग है। हजरत जिब्रील ने कहा हादा अल मस्जिद अल अक्सा, हजरत जिब्रील ने कहा यह मस्जिद अक्सा है, और जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, अल्लाह ने सबको जमा कर दिया और अल्लाह ने बता दिया मेरा हर नबी मुख्तदी बनेगा, आज मेरा मोहम्मद नबियों का भी इमाम बनेगा। बोलो ना नारे तकबीर, आज सब नबी मुख्तदी बनेंगे, मेरा मोहम्मद नबियों का भी इमाम बनेगा। तो कह दो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। ये जमीन का सफर कंप्लीट है, बहुत शॉर्ट में बताया। बोलो जमीन का सफर, कितने बजे आपकी घड़ी में? जुनैद भाई कब तक बोलने का, मेरे को कब तक बोलना है? ये नहीं बोलेगा आज, कल रांदेर में इसे मेरे को टोका कि 12:15 बजे खत्म करना। मैंने कहा क्यों, तेरी बीवी 12:20 को बुलाई है? आज मेरे को बोलता नहीं, बोले चलो आप लोग हिम्मत करके बोलो। कौन है यहाँ का जिम्मेदार, कौन है? अब्दुल राजी का है, बाहर है। तो कितने आप लोग बोल दो ना कितने बजे तक बोलना, क्योंकि जमीन का सफर हो गया, अब हमें चलना है। सुभान अल्लाह, बोलो ना, चले चले आसमान के सफर पे चले। क्या आपका इंतजार करो, आप टाइम बताएंगे मेरे को? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, इसलिए सबको मालूम है कि कुछ भी बोलेगा मुंह से मेरा टाइम। तो मेरी बीवी तो बोली 12 बजे आ जाना। बीवी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ऐसे लटका के बैठोगे क्या? भाई बहन अल्लाह ने बनाया है, झगड़ा नहीं होता घर में। ए साबिर मैं यहीं पे रह जाऊं, यहां तो झगड़ा ही नहीं है बीवी से, झगड़ा होता है बीवी से? एक सच्चा वाक्या सुनाओ, सच्चा वाक्या सुनाओ मियां बीवी का, सुनाओ। देखो कैसा हाँ हाँ करते हो, अपना नहीं बोलेंगे, अपना यूं गर्दन झुका के बैठे, और किसी और का वाक्या सुना था? हाँ हाँ सुनाओ। चलो सुना देता एक वाक्या, बहुत अद्भुत पते का वाक्या सुना था, और ये सच्चा वाक्या, वो अलग बात है कि वो जोक बन गया, लतीफा बन गया, लेकिन वाक्या बिल्कुल 101% सच्चा है। एक हमारा दोस्त करोड़पति अब्बाजोपति भाई, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह और देवे अपना क्या जावे। आज हम लोग को बहुत फिक्र होती है, किसी के पास पैसा आता अपने को नहीं जमता, सही कि नहीं? किसी के घर में कलर लगता होगा ना, ये रात को नहीं सोता भाई। और थोड़ी थोड़ी देर में ख्याल आता कहां से लाया होगा पैसा, कहां से लाया होगा पैसा, क्यों तेरे बाप के पास मांगने आया था? और जब वो मिलेगा ना सामने, अस्सलाम बहुत बहुत अच्छा कलर किया तुमने, मेरा तो दिल खुश हो गया। और अंदर से बेचारे को रात को नींद भी नहीं आती, और डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर नींद की टेबलेट देता फिर भी नींद नहीं आती है। मैं कहता हूँ नींद नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्टर बेचारा समझता है इसको डिप्रेशन हो गया। मैं कहता डिप्रेशन नहीं हो गया, अंदर फायर एक्शन हो गया है, अंदर आग लगी है भाई, आग लगी है। सही कहता हूँ, किसी का एक माला होगा, दो माला होगा, दो दो माले वाला घर, एक तो बोलता मेरी दुकान नहीं चलती, और दो माले वाला घर, किसी को टोपी पहनाया होगा। तेरे को तो नहीं पहना, तू काहे को फिक्र करता भाई, दुआ करना, दुआ जब भी किसी को अच्छा देखो ना, दुआ करो अल्लाह इसको इतना बड़ा कर दिया, ओ हो 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 अल्लाह इतना बड़ा कर दिया, फौरन दुआ करो अल्लाह इसको 10 दे दे, मेरे को भी 1 दे देना अल्लाह। अल्लाह बहुत खुश हो जाता। किसी को आपने अच्छी गाड़ी में देखा, मर्सिडीज में, BMW में, वो ऑडी गाड़ी में देखा आपने, ओहो इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी, जा वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इसको 100 दे दे, अल्लाह मेरे को भी 1 दे दे, मेरे दोस्तों अल्लाह अपनी कुदरत से अता कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम तो कहते हैं अल्लाह कब मरेगा नालायक, कब जमीन में दफन होगा, इसकी कब दुकान में आग लगे तो सुधरे, जैसा तू बहुत सुधर गया। सुनाओ सुनाओ एक बात सुनाओ, एक हमारा दोस्त करोड़पति, अब उसको क्या है, वो साल के आखिर में हिसाब किताब करने का रहता है। अरे बोलो ना, होता है कि नहीं होता? अब उसने सोचा कि ऑफिस पे जाके हिसाब किताब करूंगा तो बहुत डिस्टर्ब होगा, तो उसने आज सोचा मेरे अकाउंटेंट को लेकर आऊं और मेरे घर में हिसाब किताब करूं। अब पूरा कंप्यूटर, ऐसा भी तेरे ऊपर फिट होता है, अब वो पूरा कंप्यूटर लेके कहां पे आ गया,
घर में, लैपटॉप लेके कहां गया घर में, कैलकुलेटर लेके कहां गया घर में, अपना मोबाइल लेके कहां पे आ गया घर में, घर को ऑफिस बना दिया सिर्फ एक दिन के लिए क्योंकि पूरे साल का हिसाब किताब करना है। अब वो खुद भी बैठा है, उसका अकाउंटेंट भी बैठा है और बेचारा बिजी है, कभी ये चोपड़ा खोलता है, कभी वो फाइल खोलता है, कभी ये किताब खोलता है, कभी कंप्यूटर में जाता है, कभी लैपटॉप में जाता है, कभी कैलकुलेटर में जाता है, बेचारा बिजी है पूरे साल का हिसाब किताब करना, और साथ में कौन है? इतने में तो किसी ने दरवाजा, भाई अपने कमरे में था, किसी ने दरवाजा खिटखिटा, टक टक टक, दरवाजा खोला तो बीवी, कौन भाई? बीवी जाएगी ना घर में, बीवी, और बीवी आके क्या पूछती, क्या करते हो? अब ये तो बहुत काम में था, कुछ भी नहीं पूछने का, जा जा बहुत काम में हो। अब बीवी ने कहा मैं कुछ भी पूछने नहीं आई, सिर्फ एक सवाल पूछने आई, नहीं नहीं आज कुछ भी नहीं पूछने का। और बीवी भी यहां की थी, भाटेना की, क्या कुछ भी नहीं पूछने का, एक सवाल पूछने, अच्छा चल पूछ ले। और बीवी ने क्या सवाल पूछा मालूम? आप मेरे से कितना प्यार करते हो? सवाल भी पूछा तो इतना डेंजर पूछा, आप मेरे से कितना प्यार करते हो? बीवी ने पूछा आप मेरे से कितना प्यार करते हो, तो वो शोहर तो टेंशन में था, कहा जा जा जा, मैं तेरे से बहुत 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 प्यार करता, लैला ने मजनू से, मजनू ने लैला से जितना प्यार नहीं किया मैं तेरे से उतना प्यार करता। उसको कैसा भी करके बीवी को क्या करने का था? बीवी तो ना मेरे को बताओ, लैला मजनू बोल के थोड़ी काम चलेगा, मेरे को बताओ कितना प्यार करते। उसका मोबाइल पड़ा था ना, उसने मोबाइल उठाया, कहा ये क्या है बोलो, बस उसने कह दिया मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम तू है। भाई इतना प्यार, इससे बढ़ के तो कोई प्यार नहीं होगा ना, मोबाइल मैं हूं और अंदर की सिम, सिम के बगैर मोबाइल बेकार, और सिर्फ सिम लेके घूमो तो भी बेकार। तो कहा मैं मोबाइल, साथ में बोलो मैं शोहर मोबाइल, तू मेरी बीवी अंदर की सिम है, अगर तू सिम काटे तू अकेले तू होवे तो तू भी अधूरी, मैं अकेला रहूं तो मैं भी अधूरा, हम साथ में मिले तो मंजिल तय हो जाएगी। ओ बीवी भाटेना की थी, इतनी खुश हो गई, वाह वाह आज दिल खुश हो गया, आज मेरे को पता चला मेरा पति कितनी मोहब्बत करता है। वो खुश होते होते बोली हाँ तुम मोबाइल और मैं अंदर का सिम कार्ड, मैं अंदर की सिम तुम, बोलते बोलते चली गई। इसने अपने अकाउंटेंट को बोला पगली है, चाइना का मोबाइल है, चार सिम लेके घूमता है? कैसा हंसी है, ये सब सिम वाले माशाल्लाह। ये मैंने आपको इसलिए हंसाया, कोई मेरे को जोक नहीं बोलने का था, आप लोग सुम सुम बैठे थे ना तवे को थोड़ा गर्म कर दिया, इसलिए अभी हमको कौन से सफर पे जाना है, बोलो 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 कौन से सफर पे जाना है, कौन कौन मेरे साथ में पड़ेगा? भाई हमारे नबी का जमीन का सफर मुकम्मल हो गया, अब हमारे नबी कौन सा सफर शुरू कर रहे हैं? चलो ना याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो, माँ कदबल बोलो ना कौन सा सफर शुरू हो रहा है टाइम में आपके पास, तो शुरू करूँ, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, 15 मिनट में इंशाल्लाह खत्म, बोलो ना इंशाल्लाह कौन सा सफर शुरू हो रहा है? अल्लाह का हुक्म आया मेरे नबी सातों आसमानों को पार कर जाओ, आसमान कितने मैंने बोलो ना कितने, सातों आसमानों को पार कर जाओ। तो हमारे नबी रोए, रोते रोते हाथ उठाकर कहा अल्लाह मैं आसमानों पे कभी नहीं गया, अल्लाह अल्लाह पहली मरतबा आसमानों पे जाना है, अल्लाह कैसे जाऊंगा आसमानों पर, मैं नई जगह पे जाना अल्लाह कैसे जाऊंगा? अल्लाह की तरफ से आवाज आई मेरे मुस्तफा मेरे मुज्तबा, फिक्र की कोई बात नहीं है, सातों आसमानों पर जाओ, हर आसमान पर एक नबी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हर आसमान पर अल्लाह ने एक नबी को खड़ा किया, मेरे मोहम्मद आ रहे हैं, इस्तकबाल करो उनका। आपको मालूम है आसमान कितने हैं, तो नबी भी कितने खड़े होंगे, कौन कौन से नबी, उंगली पर गिनते जाओ। हमारे आका पहले आसमान पर पहुंच गए, हजरत आदम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंच गए, हजरत ईसा से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंच गए, हजरत यूसुफ से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हो गई, सुभान अल्लाह। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी जब सातवें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। कितने आसमान पार हो गए, फिर अल्लाह ने कहा हमारे नबी जब सातों आसमान पर गए, अल्लाह मैं सातों आसमानों पर आ गया, अल्लाह वापस जाना है? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अभी तो सातों आसमानों को पार किया है, अभी तो मेरी आठों जन्नतों को पार करना है।
बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। कितनी जन्नतों को पार करना है, अब उंगली पर गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जन्नत में चले गए, फिर हमारे नबी जन्नतुन नईम में चले गए, उंगली पर गिनते जाओ सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी पहली जन्नत में चले गए बोलो सुभान अल्लाह, फिर जन्नतुन नईम में चले गए बोलो सुभान अल्लाह, फिर तीसरी जन्नत जन्नत आदन में चले गए सुभान अल्लाह, फिर हमारे नबी चौथी जन्नत जन्नत खुल्द में चले गए सुभान अल्लाह, फिर हमारे नबी पांचवी जन्नत जन्नत सलाम में चले गए सुभान अल्लाह, फिर हमारे नबी छठी जन्नत जन्नतुल मुकामा में चले गए, फिर हमारे नबी जन्नत जन्नतुल मावा में चले गए, और फिर हमारे नबी आखिरी जन्नत जन्नतुल फिरदौस में चले गए। कितनी जन्नतों को पार कर लिया। फिर आठों जन्नतों के बाद हमारे नबी ने पूछा अल्लाह अब कहां आना है, अल्लाह ने कहा ये आठवीं जन्नत के साथ एक दरख्त लगा हुआ है, आठवीं जन्नत के साथ एक जिसका नाम है सिदरा, उसको भी पार कर लो। तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह तो बहुत दूर है, अल्लाह ने कहा 5000 साल की मसाफत दूर है। कितना? यानी कोई घोड़े पे बैठ के जाए तो 5000 साल लगे। तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह ये तो बहुत दूर है, 5000 साल की मसाफत है, अल्लाह इसका नाम सिदरा है। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आंख बंद कर दो, हमारे नबी ने आंख मुबारक बंद की। अल्लाह ने कहा खोलो, हमारे नबी ने आंखें मुबारक खोली। हमारे नबी फरमाते जब आंख बंद थी आठवीं जन्नत में था, आंख खोला तो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गया। कहां पहुंच गए बोलो हमारे नबी, कहां पहुंच गए? सिदरतुल, ये सिदरतुल मुंतहा के माने एंड, अल मुंतहा माने एंड, यहां आ गए। एंड का बोर्ड लगा है, खत्म, आसमान खत्म, बोलो आसमान खत्म, जन्नत खत्म, सिदरा खत्म, आसमान की सब चीजें खत्म। तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह मैं सिदरा पे आ गया, यहां बोर्ड लगा है एंड, अल्लाह अब क्या करना? अल्लाह ने कहा मेरे महबूब अब मेरे अर्श कुर्सी पर आना है, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने कहा और अर्श के पास आना? अल्लाह ते, अल्लाह ने कहा हाँ, आज मेरी आमने सामने मुलाकात करना है, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्म दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दी मा औहा। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब अब मेरे अर्श पे आना है, आमने सामने मुलाकात करना है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के साथ कौन थे? हमारे नबी ने कहा जिब्राइल चलो अर्श पे जाना है। हजरत जिब्राइल ने कहा मैं नहीं आऊंगा। हमारे नबी का नहीं कैसे आओगे? अरे जमीन से मेरे साथ में हो, अभी नहीं कैसे आओगे? हजरत जिब्राइल ने कहा देखो बोर्ड लगा है। क्या बोर्ड लगा है? एंड खत्म। तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह तो मुझे बुला रहा है और तुम कह रहे हो एंड हो गया। हजरत जिब्राइल ने कहा हम सबके लिए एंड हो गया, अब जो जगह पे आप जा रहे हो आपसे पहले कोई गया नहीं है और आपके बाद कोई जाने वाला भी नहीं है। हजरत जिब्राइल कहते हैं अगर मैं गया एक पर भी मैंने मारा अल्लाह मेरे परों को जला के खत्म कर देगा। ये अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की तजल्ली है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की रौनकें हैं, अल्लाह की रोशनियां है, यहाँ कोई गया नहीं आपके बाद कोई जाएगा नहीं। ये वो जगह है जो सिर्फ मोहम्मद की जगह है, जहाँ जिब्राइल के कदम रुक जाते हैं वहां मोहम्मद के कदम शुरू हो जाते हैं। अब आता जिब्राइल भी, बोलो जिब्राइल भी नहीं, हमारे नबी बोलो सुभान अल्लाह बोलो ना। कहां पहुंच गए? अल्लाह के, बहुत सारी बातें हुई अल्लाह के साथ, बोलो ना बहुत सारी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा और बात खत्म करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें हुई लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात हुई मालूम? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी नमाज लेके जाना है। बोलो क्या लेके जाना है? बोलो साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा, क्या लेके जाना? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के मारे कहा अल्लाह दे दे नमाज दे दे, मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी, अल्लाह बता दे कितनी नमाजें लेके जाना है और कैसे पढ़ना है। अल्लाह ने कहा 50 नमाजें लेके जाना है। कितनी नमाजें? आवाज नहीं आ रही। हमारे नबी ने कहा अल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे नबी ने 50 नमाजें ले ली। वो तो जब वापस होने लगे तो हजरत मूसा मिले। हजरत मूसा ने कहा 50 नमाजें लेके जा रहा। हजरत मूसा ने कहा कम करा दो, उम्मत नहीं पड़ेगी, उम्मत कम करा दो। हमारे नबी ने कहा नहीं अल्लाह के पास कैसे कम कराओ? अरे हजरत मूसा ने कहा कोई और नबी होते ना अल्लाह शायद कम ना करता, लेकिन आप चले जाओ, मोहम्मद बोलते हैं अल्लाह फैसला करता है।
हमारे नबी ने कम कराई, कम कराते गए कराते गए। बोलो 50 थी, कितनी हो गई 45, फिर कितनी हो गई 40, फिर कितनी हो गई 35, फिर कितनी हो गई 30, फिर कितनी हो गई 25, फिर कितनी हो गई 20, फिर कितनी हो गई 15, फिर कितनी हो गई 10, फिर कितनी हो गई। जब हमारे नबी 5 लेकर आए तो हजरत मूसा ने कहा नहीं 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 नहीं, 5 नहीं लेके जाने का, कम कराओ। हमारे नबी ने रोते रोते कहा अब शर्म आती है। हमारे नबी ने ये कहा मैं जाऊंगा तो अल्लाह कम कर देगा, अभी जाऊंगा तो अल्लाह 4 कर देगा नमाज, अल्लाह 3 कर देगा, अल्लाह 2 कर देंगे। लेकिन हमारे नबी ने कहा नहीं, अब जाते हुए शर्म आती है। मेरे ये भाटेना वालों, मस्जिद हुसैनिया वालों, हमारे नबी को नमाज कम कराने शर्म आई। बोलो हमारे नबी को नमाज कम कराने शर्म आई। और हम 15 दिन से फजर नहीं पढ़ते, हमको शर्म नहीं आती। हमारे नबी को सिर्फ कम कराना है, खुद नमाज वाले हैं, साहिबे शरीयत है, साहिबे कुरान है, हमारे नबी को नमाज कम कराने शर्म आई। और हम 15-15, 20-20 दिन तक फजर की नमाज के जनाजे उठाते, हमको शर्म नहीं आती मेरे दोस्त। अब सुनना, बहुत पते की बात है, सुनना। हमारे नबी रोते रोते आ गए, कितनी नमाजें लेकर आए, साथ में बोलो कितनी नमाजें लेकर आए। जब हमारे नबी मक्का की जमीन पर आए ना तो रो रहे थे, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछता मेरे महबूब रोते क्यों हो। तो हमारे नबी ने रोते रोते कहा अल्लाह एक चीज का बहुत टेंशन हो गया। अल्लाह ने पूछा क्या टेंशन, कहा अल्लाह तूने नमाज कितनी दी थी 50, हो गई कितनी, बस यही टेंशन है। अल्लाह तूने दी थी 50, हो गई। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी रोना नहीं, रोना नहीं मेरे नबी, तुमको 50 चाहिए जाओ 50। अल्लाह ने फिर कितनी दे दी 50। तो हमारे नबी ने फरमाया सबको बता दूं 50 नमाजें। अल्लाह ने कहा नहीं बताना नहीं है, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, लेकिन तेरी मोहब्बत में सवाब दूंगा 50। तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, लेकिन तेरी मोहब्बत में सवाब दूंगा। मतलब 5 भी बाकी है, 50 भी बाकी है, 5 पढ़ने का है और 50 का सवाब लेके जाने का है। अब बताओ भाई कौन कौन नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह। आज यही पैगाम है, यही पैगाम में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह।